अच्छा तू वो फ्रीडम फाइट के टाइम पे नहीं था, वरना वहां बीच चौराहे में खड़े होकर चिल्ला रहा होता कि ये साइमन गो बैक नहीं होता, साइमन कॉमा गो बैक होता है। चल चल वी लीव, वी हैव टू गो, वी हैव टू कैच अ मूवी, और अगर एवेंजर्स मिस कर दिया ना तो साला सब स्पॉइलर दे देंगे। क्या एवेंजर्स का आखिरी खेल? अरे मैं भी चलता हूँ। हमें एवेंजर्स तो एक और बार देख ही सकते हैं। अमित हम इंग्लिश में देखने जा रहे हैं, आई डोंट थिंक सो तुम सह पाओगे। कहाँ से थे? दिल्ली। हाँ तो दिल्ली से तो ब्रिटिश 1947 में चले गए थे, तेरे को साथ नहीं लेके गए हैं? ये तूने उनको भी निमोनिया की स्पेलिंग पूछ के परेशान कर दिया था। तेरे को तो वैसे चढ़ाना बहुत आसान होगा ना, कि मतलब कोई भी प्रोनाउंसिएशन को अगर गलत प्रोनाउंसिएशन बोल दे तो तू उस आदमी तेरी नजरों में वो एकदम देहाती हो जाएगा, है ना? लेकिन तू ये नहीं कभी पूछेगा कि नाइफ में के क्यों आता है जबकि उसकी कोई आवाज भी नहीं आती। हिंदी में तो ऐसे कोई यूजलेस अक्षर नहीं है, यहाँ पर तो सब हर छोटी छोटी आवाज की बहुत सारी वेराइटीज हैं। अ आ उ ई अं ओ आ, आ बोलने में जितना मजा हमारी भाषा में आता ना किसी में नहीं आता। और एक बात बता मेरे को, तू तेरे को मेरी बातें समझ में तो आती है ना? है ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ मिरर को शीशा बोलता हूं तो तेरे को ऐसा लगता है मैं हुक्के की बात कर रहा हूं? तो फिर ये ग्रामर नाजी क्या बना रहता है तू? तेरे मीडियम इंग्लिश मीडियम में तेरे को सिखाया नहीं था कि नाजी बनना बुरी बात होती है? अच्छा तू वो फ्रीडम फाइट के टाइम पे नहीं था, वरना वहां बीच चौराहे में खड़े होकर चिल्ला रहा होता कि ये साइमन गो बैक नहीं होता, साइमन कॉमा गो बैक होता। अबे ये शेक्सपियर में गुलाम बनना बंद करो और रेनल मार्टिन को भगवान मत बनाओ। हिंदुस्तान में भी बहुत सारी भाषाएं हैं, 22 में से 21 भाषाएं भी नहीं आती होंगी तेरे को, तो ट्रोल तो तेरे को करना चाहिए। इसको बैठ के ना हाले को मलयालम में गाली देते हैं, बेइज्जती भी हो जाएगी इसकी और पढ़ाई भी हो जाएगी। सॉरी यार, ऐसे अंग्रेजी को हिंदी में मिक्स मत कर, तेरे को जज करेंगे लोग यहां बैठ के, कहेंगे कि क्या शब्दों के साथ गोटियां खेल रहा है। मैं तो बस बात करने के लिए भाषा का इस्तेमाल करता हूँ, तेरे लिए तो स्टेटस सिंबल है ना ये। बोल ले भाई बोल ले, जितनी अंग्रेजी झाड़नी है झाड़ ले, और अंत में तो तेरे को लाइन में खड़े होकर भाई की पिक्चर ही देखनी। और एक और बात, आखिरी खेल के आखिर में लोहा इंसान मर जाता है।